हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो किचन के लिए बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है और आप में से कईयों के घरों में ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी होगा। तो मैं बात कर रही हूं आज इंडक्शन कुकटॉप की। जी हाँ, मैंने लिया है एक इंडक्शन कुकटॉप। तो हम करेंगे इसका रिव्यू, साथ ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे कि एक बेसिक इंडक्शन कुकटॉप में कौन कौन से फंक्शन होने ज़रूरी हैं, मैंने जो ये कुकटॉप लिया है इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, इसका प्राइस क्या है और मैंने इसे ऑनलाइन लिया है या ऑफलाइन लिया है, मैंने इसे क्यों लिया है, ये जो छुटपुट से क्वेश्चन है इनका आंसर दूंगी मैं वीडियो में आगे। तो मैंने परचेज किया है प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप। तो आइए फटाफट से इसे खोलते हैं। इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो सब यहाँ पे मेंशन है। ये स्मार्ट एंड अफोर्डेबल है और ये PIC 16.0 ये इसका मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से ये पैक होके आया है। इस पॉलीथीन को हम निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा प्रेस्टीज का इंडक्शन जिसमें हमें ये बुकलेट दी गई है। इस बुकलेट में इसका वारंटी कार्ड भी है जो कि एक साल की वारंटी है। साथ ही ये इंडक्शन किस तरीके से वर्क करता है ये सारा इस बुकलेट में दिया गया है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा इंडक्शन। यहाँ पे देखिए प्रेस्टीज मेंशन हुआ है और आपको पता है कि प्रेस्टीज मेड इन इंडिया ब्रांड है और ये किचन यूटेंसिल का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रांड माना जाता है। मॉडल नंबर है इसका PIC 16.0 प्लस और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो ये 39 सेंटीमीटर लंबा है, 31 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ये इंडक्शन 2019 के मॉडल का है क्योंकि प्रेस्टीज ने इससे पहले और इसके बाद कई तरीके के इंडक्शन निकाल दिए हैं जो अलग अलग फीचर्स वाले हैं। तो मैंने एक मीडियम फीचर वाला इंडक्शन पसंद किया है अपने लिए, उसके लिए कुछ खास रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये ओवरऑल ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर के इंडक्शन दिखने में भी ठीक लगते हैं। इस इंडक्शन का ये वाला जो हिस्सा है ये सिरेमिक का है और ये जो कंट्रोल पैनल है ये प्लास्टिक का है। ये इंडक्शन 2000 वाट पावर का है। यहाँ पे जो कीज़ का पैनल है ये सॉफ्ट टच वाला है। इसका जो पावर सोर्स है वो इलेक्ट्रिक कॉर्डेड है। ये देखिए इसकी कॉर्ड, इसकी जो कॉर्ड है ये 1.25 मीटर के अराउंड है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। इस इंडक्शन का स्पेशल फीचर है इसका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो कई बार जैसे हमारे घरों में बिजली आती है तो वोल्टेज वेरी करता है, तो ये इंडक्शन जो है वोल्टेज को मैनेज कर लेता है अपने हिसाब से और इस फीचर के कारण ये वाले जो इंडक्शन है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके पीछे। पीछे से ये इस तरीके से है, काफ़ी हैवी प्लास्टिक का बना हुआ है और यहाँ पे है इसका फैन जिससे इंडक्शन जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये जो इंडक्शन है ये एरोडायनामिक कूलिंग सिस्टम पे बेस्ड है जो कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके कारण इंडक्शन एक सफिशियंट एनवायरनमेंट में अपने हिसाब से फटाफट से ठंडे हो जाते हैं। और ये इंडक्शन आप जिस जगह पे रखें वहाँ पे ये फिसले ना, उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से चार जगहों पे रबड़ के छोटे छोटे बॉल्स लगाई हुई हैं, कह सकते हैं इसके छोटे छोटे पैर बने हुए हैं जिस वजह से ये उस सरफेस से हिलेगा नहीं। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इस कंट्रोल पैनल की। ये जो है ये सॉफ्ट टच वाला है, मतलब सेंसर वाला नहीं है, जस्ट कीज़ है लेकिन सॉफ्ट की है। और इसमें इंडियन मेन्यू के लिए ये देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको प्रेशर कुकर में कुछ बनाना हो, करी बनानी हो, डोसा या चपाती बनानी हो, इडली बनानी हो, डीप फ्राई कुछ करना हो, मिल्क हीट करना हो आपने, या वार्म करना हो कोई चीज़ जैसे चाय वगैरह कुछ बनानी हो या फिर कोई सॉटे करना हो, तो ये सब आप इसमें कर सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे है पॉज का बटन। इसके साथ ही यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, कम ज़्यादा करने के लिए माइनस और प्लस दिए गए हैं और यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे 60 से लेके 240 डिग्री सेल्सियस तक दिया गया है। उसी हिसाब से वॉट भी यहाँ पे मेंशन है कि कितने डिग्री पे कितना वॉट लगेगा। यहाँ साइड में प्रेस्टीज की ब्रांडिंग हो रखी है, मॉडल नंबर है। ये पावर सेवर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एक
इन्होंने यहाँ पे प्रिकॉशन लिखा हुआ है कि कोई भी गर्म बर्तन है आप उसको डायरेक्ट इस कंट्रोल पैनल के टच में ना लेके आए, अदरवाइज इस पैनल को हार्म हो सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो वेरी ऑब्वियस अगर इसमें कोई गर्म चीज लगेगी तो ये मेल्ट हो सकता है। एक नोटिस इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो सिरेमिक प्लेट है यहाँ से ये जो हिस्सा है इसका, ये खाना बनाने के बाद गर्म रहता है तो इसे तुरंत ही जो है टच ना करें, हाथ जलने का डर हो सकता है। ये जो इस तरीके से गोल बनाया हुआ है ये इसलिए बना रखा है कि आप बर्तन को पर्टिकुलर इस जगह पे रखें, सेंटर में नहीं रखते हैं तो खाना उतने सही से कुक नहीं होगा या हो सकता है ये इंडक्शन वर्क ही ना करे। जिस बर्तन में भी आप खाना बना रहे हैं वो फ्लैट तली का होना चाहिए और वो इंडक्शन पे वर्क करने वाला होना चाहिए, जैसे कि स्टील के बर्तन जो कि फ्लैट तली के होते हैं वो इंडक्शन पे वर्क कर लेते हैं, कुछ कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन जिनमें फेरोमैग्नेटिक डिस्क लगी होती है वो भी इंडक्शन पे वर्क कर लेते हैं, लोहे के फ्लैट बर्तन भी इंडक्शन पे वर्क करते हैं और साथ ही इंडक्शन के अपने जो सेल्फ इंडक्शन पे वर्क करने वाले बर्तन होते हैं जिनकी ह्यूज वैरायटी है मार्केट में, वो तो खैर इन पे काम करेंगे ही। तो बर्तन की तली 12 सेंटीमीटर से लेके 26 सेंटीमीटर तक तो होनी ही चाहिए। अगर हम इस इंडक्शन को पलट के इसके डिज़ाइन की बात करें तो कंपनी ने मेंशन किया है कि ये इस तरीके से बना हुआ है कि ये इंसेक्ट से जो है प्रोटेक्ट हो सकता है। अगर आपने पुराने इंडक्शंस का डिज़ाइन देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनमें कई जगहों पे कई तरीके की जालियां बनी हुई होती थी जिस वजह से कॉकरोच वगैरह इंडक्शन के अंदर घुस जाते हैं और अगर वो सेंसर वाला इंडक्शन है तो सेंसर उसके ख़राब हो जाते हैं, या फिर अगर वायर भी है तो वायर में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जिस वजह से इंडक्शन के कुछ फंक्शन जो है वर्क ही नहीं करते हैं। तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो है कॉकरोच घुसने का सवाल नहीं है, बशर्ते आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना गिराएं क्योंकि उस वजह से जो है इंडक्शन में चिपचिपाहट हो जाती है और जिससे कॉकरोच वगैरह जो भी इंसेक्ट हैं वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो अब मैं इस इंडक्शन को ऑन करके दिखाती हूँ कि इसका ये जो पूरा कंट्रोल पैनल है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने इस इंडक्शन के स्विच को लगा दिया है बोर्ड पे। ये है एक फ्राई पैन और ये है फ्लैट सरफेस का सैंडविच बॉटम का है, तो ये मैंने इसमें पानी भर दिया है और हम इसे यहाँ सेंटर में रख देते हैं। तो अब हम इस इंडक्शन को ऑन करते हैं और इसका कंट्रोल पैनल अच्छे से समझते हैं। तो ये मैंने प्रेशर कुकर वाली की दबाई है तो यहाँ पे PC लिखा हुआ आ रहा है और आइडली इसके लिए 60 से 200 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इस इंडक्शन में फीड किया हुआ है, लेकिन आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, ये यहाँ पे 200 है तो 220 या 240 भी कर सकते हैं। ये देखिए 240 डिग्री जो इसमें मैक्सिमम है वो हमने इसमें कर दिया है, इसे मैं कर देती हूँ कम। क्योंकि पानी इसमें बहुत ज़्यादा बॉईल होने लगा था, अगर हमें टाइमर लगाना है तो टाइमर के लिए हम यहाँ पे ये जो टाइमर वाला की है उसको दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 30 मिनट दिखा रहा है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से टाइमर दबाया तो इसको हम और कम कर सकते हैं, ये देखिए 26, 25, 24, 23, 22, तो ये टाइमर कम ज़्यादा हो सकता है, माइनस से कम होगा प्लस से ज़्यादा होगा। अगर आपकी डिश रखी हुई है आप उसे पॉज भी कर सकते हैं, इस पॉज वाली जब हम की को दबाएंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, जब आप अपना काम करके वापस आ जाए तो आप इस पॉज को हटा सकते हैं। अगर हम करी वाला ऑप्शन ऑन करें तो आइडली 60 से 180 डिग्री टेम्परेचर करी के लिए इस इंडक्शन में दिया गया है, क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? 200 डिग्री तक ही हम इसे बढ़ा सकते हैं, 240 नहीं कर सकते, कम हम कर सकते हैं। डोसा या चपाती के लिए 200 डिग्री, इडली के लिए 240 डिग्री, सिमिलरली डीप फ्राई के लिए
अगर मैं दूध गर्म करती हूँ तो 60 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक ही यहाँ पे मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि आइडली इसके लिए इतना ही टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैं कीप वार्म वाले मोड में इसे लगाऊं तो ये देखिए 60 डिग्री ही इसका कीप वार्म मोड है, क्या मैं इसे बढ़ा सकती हूँ? नहीं। अगर हमें किसी चीज़ को सिंपली गर्म करना है तो हम उसे 60 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करेंगे, और अगर मुझे कोई चीज़ सॉटे करनी है तो सॉटे के लिए 60 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, और क्या मैं इसे बढ़ा सकती हूँ? यस, मैं इसे बढ़ा सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने कौन सा मोड यहाँ पे लगाया हुआ है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाता है, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख जाता है। टाइमर अगर आपको लगाना है तो टाइमर भी आपका यहाँ पे शो हो जाता है, पॉज का बटन भी पता चल जाता है, क्योंकि सारी जो कीज़ हैं उनके ऊपर इस तरीके से रेड लाइट जल जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बटन अभी ऑन है। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो इंडक्शन के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुकी हूँ, ये किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब बारी आती है उन बेसिक क्वेश्चंस की जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे किए थे। पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी बेसिक सा एक साधारण सा जो इंडक्शन होता है उसमें कौन कौन से फंक्शन होने ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, जो सबसे ओल्ड मॉडल होता था इंडक्शंस का, तो वही सबसे बेसिक मॉडल भी है। ऑन ऑफ का बटन होना चाहिए, साथ में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए प्लस और माइनस वाली कीज़ होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो भी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, जो कि पुराने इंडक्शन में होता ही था। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने पर्टिकुलर यही ब्रांड का और यही मॉडल क्यों ख़रीदा। इसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि इसमें पॉज का बटन दिया हुआ है जो कि मेरे तो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं कुकिंग की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ और कई बार बीच में कुछ काम आ जाता है, कई बार बच्चा ही कुछ ऐसी डिमांड कर देता है कि भाई वो प्रायोरिटी हो जाता है उस टाइम पे, तो पॉज के बटन से मेरी रेसिपी थोड़ा सा स्टैंड बाई पे रह सकती है। तो इसमें जो टाइमर वाली की है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम में ही बनती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कितने टाइम बाद वो क्रिस्पी हो जाएंगी या कितने टाइम बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उस हिसाब से उन रेसिपीज़ के लिए अगर मैं टाइमर सेट कर दूँ तो मैं अपना कुछ और काम भी साइड बाई साइड कर सकती हूँ, और साथ ही कंपनी की तरफ से कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ आती हैं जो इस इंडक्शन को सिंपल होते हुए भी स्पेशल बना देती हैं। जैसे कि ये इंडक्शन बहुत इंटेलिजेंट है, इसे पता है कि किस रेसिपी के लिए कितना टेम्परेचर लगना है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतने टेम्परेचर के अंदर वो रेसिपी बन जाएगी। और क्योंकि ये इंडियन मेन्यू के लिए ही बना है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आसान है, आप इसे एक कपड़े से आसानी से साफ़ कर सकते हैं, तो क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाती है, और ये एनर्जी को भी सेव करता है क्योंकि डायरेक्ट हीट इसमें से आती है, तो इधर उधर से जैसे गैस स्टोव वगैरह होते हैं तो उसमें फ्लेम वेस्ट भी हो जाती है, तो इसमें फ्लेम वेस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही जितने भी इंडक्शन होते हैं वो सारे इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इनमें जो कुकिंग होती है वो फ्लेम फ्री होती है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ इस साधारण से इंडक्शन में है, तो मैंने ये इंडक्शन लिया। तो अब मैं बात करती हूँ इसके प्राइस की। इसकी जो MRP है वो है 4,295 रुपये, और मुझे ये मिला है 2,800 रुपये में। मैंने इसे दुकान से लिया है क्योंकि मुझे ये बहुत जल्दी चाहिए था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे ऑनलाइन ऑर्डर करती। ऑनलाइन में इसका प्राइस जबकि थोड़ा सा कम था, मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में लिया है। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ करके थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। इंडक्शन में खाना एकदम हेल्दी वे में पकता है, क्योंकि जो इसमें ब्लॉक्स लगे होते हैं वो मैग्नेटिक रेडिएशन को सरप्लस करते हैं, जिस वजह से बर्तन में कोई रेडिएशन नहीं होता और खाना आपका आराम से हेल्दी तरीके से बनता है। तो मैंने आपको इस प्रेस्टीज इंडक्शन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है, एंड आई होप आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट भी होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर
आपको ये इंडक्शन कुकटॉप पसंद आया हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी इसी तरीके की वैल्यूएबल जानकारी मिल सके। मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।